शैली सिंह सर जटा और जोड़ी भगवान है श्री मथुरा नाथ सदगुरु मेरे शिव गोरक्ष आदेश 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 कैसेट का नाम है गुरु गोरख नाथ की अमर गाथा। कहते हैं ये विक्रमी की 10वीं शताब्दी का जिक्र है। योगी बाबा मत्स्येंद्र नाथ सावरी मंत्र सिद्ध करके एक नगरी में चंद्रागिरी नामक नगरी में आकर के वे एक द्वार पे भिक्षा के लिए अलग जगाते हैं। वो एक ब्राह्मण का घर था, उसकी जो ब्राह्मणी थी जिसका नाम सरस्वती था वो भिक्षा डालने के लिए साधु के पास आती है और भिक्षा डालती डालती उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो साधु बाबा उसे पूछते हैं कि बेटी तेरा रोने का क्या कारण है? तो वो बताती है। कैसे बताया? ओ हो ओ मारे कुल की बेल चला दे ओ जोगी मानू एहसान ओ मारे कुल की बेल चला दे ओ जोगी मानू एहसान ओ मारे कुल की बेल चला दे ओ जोगी मानू एहसान दयाल दया के दाता ओ दीन दयाल दया के दाता बन जा मेरा भाग्य विधाता ओ बन जा मेरा भाग्य विधाता तेरा रूसा राम मना दे ओ योगी मानू एहसान ओ मर कुल की बेल चला दे ओ योगी मानू एहसान ओ मर कुल की बेल चला दे ओ योगी मानू एहसान ओ मैं दुखियारी कर्म की मारी मैं दुखियारी कर्म की मारी ओ बांध के मन दुनिया सारी बांध के मन दुनिया सारी मेरी सुनी गोद सजा दे ओ योगी मानू एहसान ओ मेरे कुल की बेल चला दे ओ योगी मानू एहसान उमर कुल की बेल चला दे ओ योगी मानू एहसान मेरे फेरी ना सृजन हार की मेरे फेरी ना सृजन हार की ओ पूत बना के कदर नार की ओ पूत बना के कदर नार हमारा उजड़ा ढूंढ बता दे ओ जोगी मानू एहसान हमारे कुल की बेल चला दे ओ योगी मानू एहसान हमारे कुल की बेल चला दे ओ योगी मानू एहसान लेख
लेखा मैं के झूठ लखी से, लेखा मैं के झूठ लखी से, बना पूत नहीं अगत गति से, बना पूत नहीं अगत गति, हमारा सोया बाग जगा दे ओ योगी, मानू एहसान उमर कुल की बेल चला दे ओ योगी, मानू एहसान उमर कुल की बेल चला दे ओ योगी, मानू एहसान। बनायो लाद की सागर वासा, ओ बनायो लाद की सागर वासा, कति टूटली मेरी ओ आसा, कति टूटली मेरी आसा, टूटी दिल बंदा दे ओ योगी, मानू एहसान उमर कुल की बेल चला दे ओ योगी, मानू एहसान उमर कुल की बेल चला दे ओ योगी, मानू एहसान। सदा फले संतों की वाणी, सदा फले संतों की वाणी, राम कृष्ण मेरी दुखद कहानी, राम कृष्ण मेरी दुखद कहानी, कर दया मिटा दे ओ योगी, मानू एहसान उमर कुल की बेल चला दे ओ योगी, मानू एहसान उमर कुल की बेल चला दे ओ योगी, मानू एहसान। कहते हैं जब गुरु मच्छिंद्रनाथ ने सरस्वती की दुख भरी कहानी सुनी तो उन्होंने सामरी मंत्र से सिद्ध करते हुए विभूति देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसका सेवन करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर के साधु बाबा तो चले जाते हैं। कहते हैं कि 12 वर्ष बीत जाते हैं और फिर गुरु मच्छिंद्रनाथ उसी नगरी में आते हैं और सरस्वती के घर पर अलख जगाते हैं और कहते हैं कि सरस्वती तेरे पुत्र के दर्शन कराओ। तो इतनी बात सुनकर के सरस्वती रोने लग जाती है। बोला क्या बात बेटी, रो क्यों रही? तो बोलती है महाराज मैं मेरी सखियों ने बहका दी और वो भगवती का मैंने सेवन नहीं किया, मैंने वो जहाँ गुओं का गोबर डाला जाता है वहाँ फेंक दिया। बोला चलो मेरे को वो जगह दिखाओ। अब गुरु जी को लेकर के सरस्वती वहां आती है जहां उसने वो भभूति डाली थी। वहां आकर के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी उस शक्ति को कैसी आवाज देकर के बुलाते हैं। ओ तेरा सतगुरु तेरा एलारे सुन चेला, तेरा सतगुरु तेरा एलारे सुन चेला, तेरा सतगुरु तेरा एलारे सुन चेला, तेरे जन्म की अमर कहानी, तेरे जन्म की अमर कहानी, हुई 12 साल पुरानी, हुई 12 साल पुरानी, ओ बठपुरड़ी बीत अकेला रे सुन चेला, तू बठपुरड़ी बीत अकेला रे सुन चेला, ओ तेरा सतगुरु तेरा एला रे सुन चेला,
सूर्यदेव से सीखा मंत्र, सूर्यदेव से सीखा मंत्र, और भस्म बनाई उसे पढ़कर, फिर भस्म बनाई उसे पढ़कर, ओ कुछ लिया न पैसा दे लार सुन चेला, ओ क्या मिलिया न पैसा दे लार सुन चेला, ओ तेरा सतगुरु तेरा ए लार सुन चेला। आ लकड़ के जग को दिखा दे, आ लकड़ के जग को दिखा दे, ओ गुरु वचन को साच बना दे, ओ गुरु वचन को साच बना दे, ओ मेरे मन का मिटा जमेला रे सुन चेला, ओ मेरे मन का मिटा जमेला रे सुन चेला, ओ तेरा सतगुरु तेरा एला रे सुन चेला। वचन में कितनी शक्ति, वचन में कितनी शक्ति, ओह बार लकड़ गुरु भक्ति, कर बार लकड़ गुरु भक्ति, ओ मत देर करे यल बेला रे सुन चेला, ओ मत देर करे यल बेला रे सुन चेला, ओ तेरा सतगुरु तेरा एला रे सुन चेला। कहते हैं जब सतगुरु की इतनी वाणी सुनी तो जहाँ पर वो शक्ति विराजमान थी कहते हैं वहाँ हलचल होती है और वहाँ से जनकार की आवाज आती है। कैसे बताया? तो जब शब्द गुरु ललकारा, जब शब्द गुरु ललकारा, कुरड़ी में उठा झनकारा, कुरड़ी में उठा झनकारा, ओ जड़ खेले लाल रसेला रे सुन चेला, ओ जड़ खेले लाल रसेला रे सुन चेला, ओ तेरा सतगुरु तेरा खेला रे सुन चेला। राम के सन दंग होए नर नारी, राम के सन दंग होए नर नारी, बारह बरस में आई बारी, बारह बरस में आई बारी, मेला कुरड़ी बीच सुत छेला रे सुन चेला, मेला कुरड़ी बीच सुत छेला रे सुन चेला, ओ तेरा सतगुरु तेरा एला रे सुन चेला, ओ तेरा सतगुरु तेरा एला रे सुन चेला। ओ हो गुरु जी मन बार काट ले, ओ मन ओलिए बारह साल, गुरु जी मन बार काट ले, ओ मन ओलिए बारह साल, हाँ ओलिए बारह साल, मेरा जी पाया शैतान, गुरु जी मन बार काट ले, ओ मन होलिए बारह साल, गुरु जी मन बार काज ले, ओ मन होलिए बारह साल।
देवता आवर मंत्र शद होया जनर तन दर कर शद होया जनर तन दर कर सूर्य देवता सावर मंत्र शद होया जनर तन दर कर शद होया जनर तन दर कर हो ये ते बीत कमाल गे हो मन ओलिया बारा साल गुरुज मन बार काट ले ओ मन ओलिया बारा सा मन ओलिया बारा साल ओलिया बारा साल गुरुज मन बार काट ले ओलिया बारा साल सम कायसर नराला तन जाम दिया कोरडी ने पाला जाम दिया कोरडी ने पाला तेरी बसम कायसर नराला तन जाम दिया कोरडी ने पाला जाम दिया कोरडी ने पाला ओ गुरु जी मेरे लड़ा लाडले ओ मन ओलिया बारा साल गुरुज मन बाहर काट ले ओ मन ओलिया बारा साल मन ओलिया बारा साल मेरा जी पाया से काल गुरुज मन बाहर काट ले ओ मन ओलिया बारा साल सुरद गुरु थारे दर्शन पाऊं कैसे तुमको सी झुकाऊं कैसे तुमको सी झुकाऊं ओ किस गुरु थारे दर्शन पाऊं कैसे तुमको सी झुकाऊं कैसे तुमको सी झुकाऊं ओ बच्चा जाल जंजाल से ओ मन ओलिया बारा साल गुरुज मन पार काट ले ओ मन ओलिया बारा साल ओलिया बारा साल मेरा जी पारा से काल गुरुज मन पार काट ले ओ मन ओलिया बारा साल नाथ दयालु सुनो मेरी वाणी राम कृष्ण की अजब कहानी राम कृष्ण की अजब कहानी नाथ दयालु सुनो मेरी वाणी राम कृष्ण की अजब कहानी राम कृष्ण की अजब कहानी ओ गुरुज मन शरण राख ले ओ मन ओलिया बारा साल गुरुज मन बार काट ले ओ मन ओलिया बारा साल ओलिया बारा साल ओलिया बारा साल गुरुज मन बार काट ले ओ मन ओलिया बारा साल कहते हैं कि उस कुरड़ी में से आवाज सुनकर वहां से वो गौओं का गोबर हटाया जाता है और गुरुजी उसको निकाल लेते हैं। तो वहां चंद्रागिरी जो नगरी थी उसमें सब जितने प्राणी थे सब देखकर कदम्बे में रह जाते हैं
क्यों हो कुरड़ी में से एक लाल निकला। बताते हैं गुवें के गोबर में रहने से उनका नाम गोरक्ष नाथ रखा गया। तो कैसे अचंभा करते हैं वे वहां के नर और नारी। हो ओ जना कोरड़ी ने एक लाल ओ जना कोरड़ी ने एक लाल अचंबा भारी है अचंबा भारी है अचंबा भारी है अचंबा भारी है। ओ जना कोरड़ी ने एक लाल जना कोरड़ी ने एक लाल अचंबा भारी है अचंबा भारी है ओ अचंबा भारी है अचंबा भारी है। बन गई होनी मूर्त कोराड़े ने जण दी सलोनी अनहोनी आदि बन गई होनी मूर्त कोराड़े ने जण दी सलोनी। आहा हो गया जब कमाल हो गया जब कमाल अचंबा भारी है अचंबा भारी है अचंबा भारी है अचंबा भारी है। ओ कुरड़ी ने एक लाल ओ जना कुरड़ी ने एक लाल अचंबा भारी है अचंबा भारी है। युगति से भस्म बनाई योग युगति से भस्म बनाई कर्म हीण ना खावण पाई कर्म हीण ना खावण पाई। आदि गजे में डाल नदी गजे में डाल अचंबा भारी है अचंबा भारी है ओ अचंबा भारी है अचंबा भारी है। जना कोरड़ी ने एक लाल जना कोरड़ी ने एक लाल अचंबा भारी है अचंबा भारी है। कहते हैं वहां के नगरवासी यह तरह देख करके और सरस्वती को कोसते हैं कि इसने इस बात का मतलब नहीं समझा कितनी अभागिन है ये और यो साधु ने ये तो कोई परमात्मा ही है जिसने ऐसा कमाल करके दिखा दिया। क्या बताया ओ साधु नहीं ओ रूप हरि का साधु नहीं ओ रूप हरि का करके अनादर
चीज खरी का ओ कर के अनादर चीज खरी का जत गई बरम में डाल जत गई बरम में डाल अचंबा भारी है अचंबा भारी है ओ अचंबा भारी है जना कोरी ने एक लाल जना कोरी ने एक लाल अचंबा भारी है अचंबा भारी है ओ हो अचंबा भारी है अचंबा भारी है जिस पे हाथ संत को धर जा जिस पे हाथ संत को धर जा चेतन हो पे वो नर जा सांस सरज की डार उतान सरज की डार अचंबा भारी है अचंबा भारी है अचंबा भारी है अचंबा भारी है जना कोरी ने एक लाल जना कोरी ने एक लाल अचंबा भारी है अचंबा भारी है ओ अचंबा भारी है अचंबा भारी है कसन संता की बूटी राम कसन संता की बूटी किसी तराना पड़ती झूठी किसी तराना पड़ती झूठी सदगुण अपना मसाल सद को रख बना मसाल अचंबा भारी है अचंबा भारी है भारी है अचंबा भारी है अचंबा भारी कहते हैं गोरखनाथ का जन्म हुआ तो सभी नगरवासियों ने बड़ा अचंबा प्रकट किया। कहते हैं वहीं से मच्छिंद्रनाथ उसको गोरख को साथ लेकर के चल पड़ते हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ की महिमा का शोर चारों ओर फैल जाता है और वो अपने शिष्य को लेकर चंद्रगिरी से तीर्थाटन पर चल पड़ते हैं। काफी दिन घूमते फिरते हुए गुरु चेले साथ साथ एक बार जगन्नाथ जी की यात्रा जाते समय दोनों गुरु और शिष्य मार्ग में कनक नगरी एक गांव में ठहर जाते हैं, जहां गुरु जी अपने शिष्य की परीक्षा लेने का विचार करते हैं और उसको भिक्षा लाने का आदेश देते हैं। कैसे बताया ओ चेले रई भूख काल दा काट तू भिक्षा लावे राखना ओ चेले रई भूख काल दा काट तू भिक्षा लावे राखना ओ चेले
रई भूख काल जा काड तू बख्शा लावेगा कना सुनो शिष्य धर्म की वाणी सुनो शिष्य धर्म की वाणी चाहिए गुरु की टैल बजानी ओ चाहिए गुरु की टैल बजानी ओ चेले ले गुरु वचन की आड़ तू अलख जगावेगा कना ओह चेले परे भूख काल जा काड तू बख्शा लावेगा कना ओह चेले परे भूख काल जा काड तू बख्शा लावेगा कना या नींद भूख ना बस की नुक नींद भूख ना बस की हम आस करा अड़ किसकी हम आस करा अड़ किसकी ओह चेले तजयालत सोस्ती तागत फेरी लावेगा कना ओह चेले ओरे भूख काल जा काट तू बख्शा लावेगा कना ओह चेले ओरे भूख काल जा काट तू बख्शा लावेगा कना जाइए तावल करके तू जाइए तावल करके लइए बख्शा तू कर फिर के ओ लइए बख्शा तू कर फिर के ओ चेले ओ तेरे धर्म कर्म की लाग तू ठीक पगावेगा कना ओ चेले ओरे भूख काल जा काट तू बख्शा लावेगा कना ओह चेले ओरे भूख काल जा काट तू बख्शा लावेगा कना जो गुरु वचन पे डट जा जो गुरु वचन पे डट जा सब बंधन उसके कट जा सब बंधन उसके कट जा ओह चेले उठ गुरु चरण में जाग तू धन लगावेगा कना ओह चेले ओरे भूख काल जा काट तू बख्शा लावेगा कना ओह चेले ओरे भूख काल जा काट तू बख्शा लावेगा कना करो राम कृष्ण गुरु सेवा करो राम कृष्ण गुरु सेवा गुरु चार पदारथ देवा गुरु चार पदारथ देवा ओह चेले लड़ गुरु भजन का नाग तू बैन बजावेगा कना ओह चेले ओरे भूख काल जा काट तू बख्शा लावेगा कना ओह चेले ओरे भूख काल जा काट तू बख्शा लावेगा कना कहते हैं
गुरु मच्छिंद्रनाथ की इतनी बात सुनी तो गोरखनाथ जी गुरु जी का आदेश सुनकर चरणों में शीश नवाकर क्या कहते हैं, ओ ओ गणितावन करके जाऊं गुरु जी थर चरण धूल शरलालन, ओ गणितावन करके जाऊं गुरु जी थर चरण धूल शरलालन, गणितावन करके जाऊं गुरु जी थर चरण धूल शरलालन। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही, पाताल गगन और जमी तुम्ही, पाताल गगन और जमी तुम, ओ थारी सेवा कर कर जाऊं गुरु जी मन तरण धूल शरदालन, थारी सेवा कर कर जाऊं गुरु जी मन चरण धूल शरदालन, ओ गणितावन करके जाऊं गुरु जी मन चरण धूल शरदालन। गुरु बिन कौन सहारा शशका, गुरु बिन कौन सहारा शशका, अमृत कर दे गुरु जी वसका, अमृत कर दे गुरु जी वसका, थारी अरत मटे न बजाऊं गुरु जी मन तरण धूल शरदालन, थारी अरत मटे न बजाऊं गुरु जी मन तरण धूल शरदालन, गणितावन करके जाऊं गुरु जी पथारी तरण दूर शरलालने दे। गुरु शशका हो साचा नाता, गुरु शशका हो साचा नाता, शशका हो से गुरु वेदाता, शशका हो से गुरु वेदाता, मैं अपना बाग सराऊं गुरु थारी धूल चरण शरलालन, गणितावन करके आऊं गुरु जी थारी चरण धूल शरलालन, ओ गणितावन करके जाऊं गुरु जी थारे चरण धूल शरलालन। राम कसन धन फेरे अकेला, राम कसन धन फेरे अकेला, गुरु बिन कौन करे सुख वेला, गुरु बिन कौन करे सुख वेला, थारी सेवा में जन्म बताऊं गुरु जी मन चरण धूल शरलालन, ओ थारी सेवा में जन्म बताऊं गुरु जी मन चरण धूल शरलालन, गणितावन करके जाऊं गुरु जी थारी चरण धूल शरलालन, ओ गणितावन करके मैं जाऊं गुरु जी थारी चरण धूल शरलालन। कहते हैं बालक गोरखनाथ अपने गुरुजी के चरणों में शीश नवा करके आदेश का पालन करने के लिए नगरी में भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। तो कहते हैं एक घर उन्होंने अलग जगाई और वहां कोई त्योहार मनाया हुआ था और बालक गोरखनाथ को देखकर
उन्होंने अच्छा भोजन दे दिया उसको और वो लेकर के गुरुजी के पास पहुंच गए। तो गुरुजी ने भी उसने साथ साथ भोजन प्राप्त किया। तो गुरुजी ने दोबारा यही परीक्षा लेने के लिए कहा कि बहुत अच्छा भोजन लाया गोरखनाथ, मेरा तो मन और करता है, तो दही बल्ले तो और लेके आओ। तो कहते हैं अब गुरु की बात सुनकर वो बालक गोरखनाथ फिर चल पड़ते हैं जाकर के उसी घर पर अलख जगाते हैं। अब वहां जो उस घर की मालकिन थी वो गुस्से में आती है और गोरखनाथ से क्या कहती है, ओ हो हो ओ लग पे टका पोजारी तू ते साधु को नारे, तू ते साधु को नारे अगे पे टका पोजारी तू ते साधु को नारे, कदी साधु को नारे ओ लग पे टका पोजारी तू ते साधु को नारे, हाँ भाई साधु को नारे। कोन साधुआ का ढंग रया झूठे कपड़े रंग, कोन साधुआ का ढंग रया झूठे कपड़े रंग, हंड भरता है पेट मलंग कर जाता तू टोना रे, तू कर जाता तू टोना रे अलग पेट का बाजार तू है साधु को नारे, हाँ साधु को नारे अलग पेट का बाजार तू है साधु को नारे। कोना कति सबर तू देख चोरा की नजर, तेरा कोना कति सबर तू देख चोरा की नजर, दके हारा तू घर घर ओ बड़के भूख खलौना रे, ओ बड़के भूख खलौना रे उला के पेट का पोजारी तू ते साधु को नारे, हाँ साधु को नारे लग बेट का पोजार तू ते साधु को नारे। ना करता वजन गुरु का तबार करूं क्या, ना करता वजन गुरु का तेरा एतबार करूं क्या, पुत बन रहा भगत गरू साइस में कती लको नारे, हाँ हाँ कती लको नारे लगे टका पोजार तू ते साधु को नारे, हाँ हाँ साधु को नारे लगे टका पोजारी रे तू ते साधु को नारे, हाँ हाँ साधु को नारे। संतोष संत का गहना मानो राम कसल मेरा कहना, संतोष संत का गहना मानो राम कसल मेरा कहना, तू ढोर की डाल पर ना बीज भजन का बोना रे, हाँ हाँ भजन का बोना रे लग बेट का पुजारी तू ते साधु को नारे, हाँ साधु को नारे लग बेट का पुजारी तू ते साधु को नारे, कति कति साधु को नारे, हाँ साधु को नारे।
कहते हैं इतनी बात जब गोरखनाथ ने ब्राह्मणी की सुनी कि भाई तू तो साधु नहीं कोई पेट भरनिया दिखाई देता है, तो कहते हैं वो बार बार यही कहता रहा, हे माई भिक्षा दे दो, मेरे गुरु का आदेश है, मुझे भिक्षा लेके जाना है। तो क्रोध में बोलती है, तेरे को दही भल्ले चाहिए, एक दही भल्ला ले जाओ और एक अपनी आंख निकाल के दे जाओ। अब गोरखनाथ ने सोचा अगर भिक्षा नहीं ले गया तो गुरुजी गुस्से होंगे। उन्होंने एक आंख निकाल करके उस ब्राह्मणी को दे दी और दही भल्ला लेकर चल पड़ता वापस। अब गुरुजी के पास आता है और गुरुजी को भिक्षा दे देता ला करके। गुरुजी ने वो भिक्षा ग्रहण की और बोला, रे गोरखनाथ तुम्हारी आंख क्या हुआ? उसने वो हाल बताया, गुरुजी ऐसे ऐसे बात हुई, मैंने अपनी आंख निकाल के दे दी। सोचा गुरु ही नहीं तो इस आंख का क्या करेंगे। तब गुरुजी बड़े खुश हुए और उसको छाती से लगाकर क्या बताते हैं, ओ हो भाई बाजगा तेरे नाम का गोरख ढोल जगत में बाजगा, ओ बाजगा तेरे नाम का गोरख ढोल जगत में बाजगा। बालक उम्र समझ का शाना, बालक उम्र समझ का शाना, ऊंचा करे ना था का वाना, बालक उम्र समझ का शाना, ऊंचा करे ना था का वाना, करी सेवा अनमोल कर्म तन थापेगा, ओ बजेगा बाजगा तेरे नाम का गोरख ढोल जगत में बाजेगा, हाँ बाजगा बाजगा तेरे नाम का गोरख ढोल जगत में बाजेगा। कर ली पूरी गुरु परीक्षा, तन कर ली पूरी गुरु परीक्षा, साथ रहे तेरे सतगुरु दीक्षा, साथ रहे तेरे सतगुरु माँ आप करे तेरी रक्षा, कर्म तेरा जागेगा, ओ बाजगा तेरे नाम का गोरख ढोल जगत में बाजेगा, तेरे नाम का गोरख ढोल जगत में बाजेगा। ऊंचा नाम रे तेरा जग में है, ऊंचा नाम रे तेरा जग में, कांटा तक ना लगे पग में, ऊंचा नाम रे तेरा जग में, कांटा लगे ना तेरे पग में, गुरु भक्ति रे भरी रग में, फरज ने न जागेगा, ओ बजेगा बजगा तेरे नाम का गोरख ढोल जगत में बजेगा, ओ बजेगा बजगा तेरे नाम का गोरख ढोल जगत में बजेगा। राम कसन संतों की वाणी, राम कसन संतों की वाणी, चट में दर लेना होगी हानि, राम कसन संतों की वाणी, चट में दर लेना होगी हानि,
और राम नवासन जानी भजन में लगेगा ओ सजेगा बजेगा तेरे नाम का गोरख ढोल जगत में बजेगा ओ बजेगा बजेगा तेरे नाम का गोरख ढोल जगत में बजेगा। कहते हैं गुरु भक्ति को देखकर बालक गोरखनाथ की प्रशंसा चर्चा चारों ओर होने लगती है। गुरु मत्स्येंद्र भी यह सुन सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। संसार में एक अमर मिसाल बन गई, आज दुनिया गोरख को याद करती है। कैसे बताया, ओ बन गई अमर मिसाल जाना कुरड़ी में एक लाल यमाया नाथा की ओ बन गई अमर मिसाल जाना कुरड़ी ने एक लाल यमाया नाथा की आह बन गई अमर मिसाल जाना कुरड़ी ने एक लाल यमाया नाथा की युगत की सूची सच्चा रवि देव से सावर सिख्या योग युगत की सूची सच्चा रवि देव से सावर सिख्या रवि देव से सावर सिख गुरु हो गे माला माल भुला गे कटन कर्म जंजाल यमाया नाथा की बन गई अमर मसाल जाना कुरड़ी ने एक लाल यमाया नाथा की बन गई अमर मसाल जाना कुरड़ी ने एक लाल यमाया नाथा की एक दिन चंद्रगिरी में आया एक ब्राह्मण घर अलख जगाया एक दिन चंद्रगिरी में आया एक ब्राह्मण घर अलख जगाया एक ब्राह्मण घर अलख जगाया यदि भस्मी मंत्र डाल बता के आए बारह साल यमाया नाथा की बन गई अमर मिसाल जाना कुरड़ी ने एक लाल यमाया नाथा की ओ बन गई अमर मिसाल जाना कुरड़ी ने एक लाल यमाया नाथा की। तपधारी योगी की वाणी सरस्वती ने झूठी जानी तपधारी योगी की वाणी सरस्वती ने झूठी जानी सरस्वती ने झूठी जानी बस मगड़े में डाल माही समय गोरख लाल यमाया नाथा की ओ बन गई अमर मिसाल जाना कुरड़ी में एक लाल यमाया नाथा की बन गई अमर मिसाल जाना कुरड़ी में एक लाल यमाया नाथा की
कसन फिर आए बाबा पूरा करने अपना वादा धाम कसन फिर आए बाबा पूरा करने अपना वादा पूरा करने अपना वादा वो देखा सारा हाल समझ गए नाथ गुरु तत्काल यमहला नाथा की बन गए अमर मसाल जाना उड़ी में एक लाल यमाया नाथा की बन गए अमर मसाल जाना उड़ी में एक लाल यमाया नाथा की बन गए अमर मसाल जाना उड़ी में एक लाल जोड़ी भगवान श्री मथुरा नाथ सदगुरु मेरे शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। ये प्रोग्राम सुपर टोन कैसेट कंपनी द्वारा पेश किया जा रहा है, जिसको पेश कर रहे हैं विक्की नारंग। गुरु गोरखनाथ की अमर गाथा भाग नंबर दो, जिसको गा रहे हैं भक्त रामनिवास जी सुनरिया वाले, वैसा थी। कहते हैं गुरु मच्छंद्रनाथ वशिष्ठ गोरखनाथ चंद्रागिरी से चलकर कनकपुर में आ जाते हैं, जहां पर योगी गुरु अपने शिष्य को वेद वेदांत का अध्ययन कराते हैं तथा उनको सांवरी व संजीवनी मंत्र की शिक्षा देते हैं। एक दिन गुरु मच्छंद्रनाथ कहीं गांव में गए हुए थे और शिष्य गोरखनाथ गुरुजी के द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र का पाठ कर रहे थे, तो तभी कुछ बच्चे गोरखनाथ जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हे महाराज, हमारे लिए एक बैलगाड़ी बनाओ गारा की। तो गोरखनाथ गारा की गाड़ी बना के देते हैं, तो कहते हैं इसका गाड़ी वाहन और बना दो। वो साथ ही साथ अध्ययन कर रहे थे और गाड़ी वाहन बना दिया, तो कहते हैं कि एक अचंभा हुआ। वो पुतला जुगार का था, वो मनुष्य की भांति क्रिया करने लगा, तो सभी बच्चे डर के मारे भूत भूत कहकर के भाग खड़े हुए। अब गोरखनाथ जी को भी असंभव हुआ, तो गुरु जी वापिस आए तो गोरखनाथ जी गुरु जी से कैसे पूछते हैं, क्या बताया? हो 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 ओ मेरे नहीं समझ में आया गुरु जी अजब अचंभा पुतले का, मेरे नहीं समझ में आया गुरु जी अजब अचंभा पुतले का, ओ मेरे नहीं समझ में आया गुरु जी अजब अचंभा पुतले का। बताने लगे, हे गुरुजी, मैं आपकी दी सिखाई हुई विद्या का अध्ययन कर रहा था, तो कुछ बच्चे गार लेकर के आते हैं, तो बोलते हैं हमारे लिए गाड़ी बनाओ और गाड़ी वाहन बनाओ। तो गुरुजी ऐसा संभव हुआ, क्या बताया? वो बालक लेके आए गारा, बालक लेके आए गारा, बोले बड़ा खिलौना मारा, बोले बड़ा खिलौना मारा, मन गाड़ी वाहन बनाया गुरु जी अजब अचंभा पुतले, मन गाड़ी वाहन बनाया गुरु जी अजब अचंभा पुतले, और मेरा नहीं समझ में आया गुरु जी
अजब अचंबा पुतले का। मन में रटना हाथ से बुनना, मन में रटना हाथ से बुनना, ऐसे बुना मन ये पुतला, ऐसे बड़ा मन ये पुतला। ओ प्राण कहाँ से आया गुरु जी, अजब या चंबा पुतले। ओ प्राण कहाँ से आया गुरु जी, अजब या चंबा पुतले। ओ मेरा नहीं समझ में आया गुरु जी, अजब या चंबा पुतले का। एकदम सोर माच गया वारी, एकदम सोर माच गया वारी, भाग के बालक दे कलकारी, भाग के बालक दे कलकारी। हाँ इसको भूत बताया गुरु जी, अजब अचंबा पुतले का। हाँ इसको भूत बताया गुरु जी, अजब अचंबा पुतले। ओ मेरा नहीं समझ में आया गुरु जी, अजब अचंबा पुतले का। कहने लगे हे गुरुजी, मैंने तो गार का बनाया था पुतला, ये बताओ इसमें प्राण कैसे डल गए। सभी बच्चे भूत भूत क्या करके भाग खड़े हुए। हाथ पाव लगा पुतला है लावण, हाथ पाव लगा पुतला है लावण, बालक की जो लगा टटावण, बालक की जो लगा टटावण। बड़े जोर का स्वर मचाया गुरु जी, अजब अचंबा पुतले। बड़े जोर का स्वर मचाया गुरु जी, अजब अचंबा पुतले। मेरा नहीं समझ में आया गुरु जी, अजब अचंबा पुतले का। राम कसन होया खेल नराला, राम कसन होया खेल नराला, गोरख से बोला गोरख वाला, गुरुज से बोला गोरख वाला। अजब अनोखी माया गुरु जी, अजब अचंबा पुतले। या अजब अनोखी माया गुरु जी, अजब अचंबा पुतले। मेरे नहीं समझ में आया गुरु जी, अजब या चंबा पुतले। मेरे नहीं समझ में आया गुरु जी, अजब अचंबा पुतले का। कहते हैं गुरु मच्छंद्रनाथ ने देखा उस पुतले को जो कि मानव बन चुका था, उसका नाम गहनीनाथ रख देते हैं, और एक निसंतान ब्राह्मण जिसका नाम कमलनाभा था उसको दे देते हैं। गोरखनाथ जी अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरु जी ये सब कैसे हो गया, तो गोरख जी को गुरु जी बताते हैं कि इस सब का कारण ये है कि तुम मन से तो संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे और तन से यानी कि हाथों से वो खिलौना बना रहे थे। तन और मन दोनों की क्रिया से लगन से तो मंत्र ने असर दिखाना ही था। अब तुमको भगवान शिव का ध्यान करके घोर तपस्या से उनको प्रसन्न कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई संदेह न व्यापे
क्योंकि भगवान शिव ही पूर्ण है। अतः गोरख गुरु आज्ञा को सिर पर रख के शिव उपासना के लिए बद्री का आश्रम की ओर चल पड़ते हैं और कैसे भक्ति करते हैं क्या बताया। हो 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 ओ शिव भक्ति का मंत्र ओम ओम सद गोरख योगी रटन लगे। शिव भक्ति का मंत्र ओम ओम सद गोरख योगी रटन लगे। शिव भक्ति का मंत्र ओम श्री ओम सद गोरख योगी रटन लगे। गुरु आदेश देव की भक्ति गुरु आदेश देव की भक्ति हो दिखण लागी बेल सी चढ़ती दिखण लागी बेल सी चढ़ती लगे मोती झड़न अनमोल अनमोल महा गोरख योगी रटन लगे। शिव भक्ति का मंत्र ओम श्री ओम सद गोरख योगी रटन लगे। लागी सुरत नरत शिव चरणा लागी सुरत नरत शिव चरणा धन मगन कर गोरख रटना धन मगन कर गोरख रटना रे कतियो मोन ओ मोन सद गोरख योगी रटन लगे। हो शिव भक्ति कायो में होयो में सब गोरख योगी रटन लगे। दन दन बढ़ रही कला सवाई दन दन बढ़ रही कला सवाई एक के बाद एक सिद्धि आई एक के बाद एक सिद्धि कर पूजा पाठ और होम होम सद गोरख योगी रटन लगे। शिव भक्ति का मंत्र ओम श्री ओम सद गोरख योगी रटन लगे। ओ साल बीत गए पूरे बारा साल बीत गए पूरे बारा आखिर सुना गगन ललकारा आखिर सुना गगन ललकारा महादेव रे बोल मुख बोल सद गोरख योगी रटन लगे। ओ शिव भक्ति का मंत्र ओम ओम शिव गोरख योगी रटन लगे। गोरख ने ऐसा दान लगाया गोरख ने ऐसा दान लगाया आँख खुली शिव सन मुख पाया आँख खुली शिव सन मुख पाया लग प्रेम भक्ति की झोल ओ झोल सद गोरख योगी रटन लगे। ओ शिव भक्ति का मंत्र ओम श्री ओम सद गोरख योगी रटन लगे।
राम के सन शिव की बड़ी माया, राम के सन शिव की बड़ी माया, ऐसी करी गोरख पे छाया, ऐसी करी गोरख पे छाया, लगे वजन जगत में डोल ओ डोल, शत गोरख योगी रटन लग, शिव भक्ति का मंत्रियो में चिरियो में, शत गोरख योगी रटन लग, शिव भक्ति का मंत्रियो में चिरियो में, शिव गोरख योगी रटन लगे। कहते हैं गुरु गोरखनाथ की घोर तपस्या देखने के बाद भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं, सभी देवी देवताओं और शिव का वरदान प्राप्त करके गुरु दर्शन के लिए गोरखनाथ भ्रमण पर निकलते हैं। रास्ते में उनकी भेंट नाथ योगी कानिपा नाथ से हो जाती है, तो आदेश बंदगी होने के बाद में बोलते हैं कानिपा नाथ जी, कहते हैं भाई गोरखनाथ जी आपके लिए आम मंगवा दूं, तो भाई जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने मंत्र वशीभूत से आम बैठे बैठे वहीं तोड़ करके उनके सामने पेश कर दिए, तो आम खाए बड़े चाव से। गोरखनाथ जी कहने लगे भाई कानिपा नाथ जो आम बच गए इनको वापस वहीं लगा दो। तो कानिपा नाथ कहते हैं भाई जो टूट कर गिर गया उसको वापस लगाने वाला कौन है? बोला हाँ मेरे गुरु की शिकायत विद्या से मैं इनको वापस लगा सकता हूँ। तो बताते हैं कानिपा नाथ उसको ताना मारते हैं, भैया बड़े गुरु का चेला, तेरा गुरु त्रिया राज में उधर मोह के बंधन में फंसा हुआ है, मैं ना कि नहीं के यहाँ आप उसको निकाल के लाओ जब माने। तो बोला चलो, इस बात से मेरे गुरु जी का तो पता लगा, अब मैं अपने गुरु जी का करिश्मा दिखाता हूँ आपको। तो कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने मंत्र से उन आमों को वापिस लगा दिया और जाते जाते कहने लगे कि मैंने तो अपने गुरु का चमत्कार दिखा दिया, अब अगर तुम अपने सच्चे गुरु के चेले हो तो जाओ हेलापट्टन राजधानी में खचरों की लीद के नीचे तुम्हारा गुरु दबा हुआ है उसको निकाल लेना। ये कहकर के गोरखनाथ अपने गुरु की कैसे बड़ाई उनके सामने करते हैं, क्या बताया। ओ भई सतगुरु के ज्ञान न जाने कोई को, सतगुरु के ज्ञान न जाने कोई को, ओ जाने कोई कोए, जाने कोई कोए, हो जाने कोई कोए, जाने कोई कोए, सतगुरु के ज्ञान, सतगुरु के ज्ञान न जाने कोई कोए, सतगुरु के ज्ञान न जाने कोई कोए, ओ जाने कोई कोए, जाने कोई कोए, जाने कोई कोए, जाने कोई कोए, गुरुआ के ज्ञान, ओ गुरुआ के ज्ञान न जाने कोई कोए, सतगुरु के ज्ञान न जाने कोई कोए। के बिना साधक सद हो ना, गुरु के बिना साधक सद हो ना, यो लेख परमाण, लेख परमाण न जाने कोई कोई, यो लेख परमाण न जाने कोई कोई, वो जाने कोई कोई, कोई जाने कोई कोई, जाने कोई कोई, कोई जाने कोई कोई, वो सतगुरु के ज्ञान, सतगुरु के ज्ञान न जाने कोई कोई, गुरुआ के ज्ञान न जाने कोई कोई। कहेला जो समझ गचेला, ओ गुरु कहेला जो समझ गचेला, मरम की जबान, मरम की जबान न जाने कोई कोई, मरम की जबान न जाने कोई कोई, ओ जाने कोई कोई, ओ जाने कोई कोई, ओ जाने कोई कोई, जाने कोई कोई, सतगुरु के ज्ञान,
सतगुरु के ज्ञान न जाने कोई कोई, गुरु के ज्ञान न जाने कोई कोई। गुरु बिन चेला फेरे जाया केला, हो गुरु बिन चेला फेरे जाया केला, मिलने की बाणी मिलने की बाण न जाने कोई कोई, मिलने की बाण न जाने कोई कोई, हो जाने कोई कोई, जाने कोई कोई, जाने कोई कोई, हो जाने कोई कोई, सतगुरु के ज्ञान गुरु के ज्ञान न जाने कोई कोई, सतगुरु के ज्ञान न जाने कोई कोई। गुरु जी की सूरत राम जी की मूरत, गुरु जी की सूरत राम जी की मूरत, गुरु भगवान ये जाने कोई कोई, ओ गुरु भगवान ये जाने कोई कोई, ओ जाने कोई कोई, ओ जाने कोई कोई, ओ जाने कोई कोई, ओ जाने कोई कोई, सतगुरु के ज्ञान सतगुरु के ज्ञान न जाने कोई कोई, ओ गुरु के ज्ञान न जाने कोई कोई। ओ गुरुआ की छाया हो ब्रह्म की माया, ओ गुरुआ की छाया हो ब्रह्म की माया, चतुर सुजान चतुर सुजान न जाने कोई कोई, चतुर सुजान न जाने कोई कोई, ओ जाने कोई कोई, जाने कोई कोई, ओ जाने कोई कोई, ओ जाने कोई कोई, सतगुरु के ज्ञान सतगुरु के ज्ञान न जाने कोई कोई, ओ गुरु के ज्ञान न जाने कोई कोई। कहते हैं गुरु गोरखनाथ अपने सतगुरु मसिंद्रनाथ को ढूंढने के लिए त्रियाराज की तरफ चल पड़ते हैं और उसकी सीमा पर जाकर के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि त्रियाराज में किस प्रकार जाया जाए। कहते हैं तभी एक औरतों से भरा हुआ एक अर्थ आकर के उनके पास रुकता है, तो एक राजकुमारी जैसी सुंदर लगने वाली एक औरत को गोरखनाथ जी पूछते हैं कि तुम कहां से आई हो और कहां जा रही हो। तो इतनी बात गोरखनाथ जी की सुनकर वो मुख्य महिला थी, वो कहने लगी कि हम जो हैं गाना बजाना जानती हैं और यही काम है हमारा, और हमें यात्रिया राज में जाकर के मसिंद्रनाथ जी का स्वागत करने के लिए जा रही हैं और अपना परिचय वो गोरखनाथ को कैसे देती हैं। ओ हो कालिंगा रानी गोरखनाथ से अपना परिचय देते हुए क्या बताती है। मत मंदर गढ़ते आई होगी रे कालिंगा से मेरा नाम, मैं महेंद्र गढ़ते आई होगी रे कालिंगा से मेरा नाम, मन्ने तेरिया राज मजाना, मन्ने तेरिया राज मजाना, करते गाना और बजाना, करते गाना और बजाना, क्या बात मेरे मन भाई होगी रे, क्या बात मेरे मन भाई होगी रे, आयो ऐसे रे मारा काम, मंदर गढ़ते आई होगी रे कालिंगा से मेरा नाम,
मैं महेंद्रगढ़ ते आयो गिरे कालिंगा से मेरा नाम। सुन ले तेरी आ राज की कहानी, सुन ले तेरी आ राज की कहानी, नहीं मरद की उड़े नसानी रे, नहीं मरद की उड़े नसानी। पवन पुत्र बल दाई ओ गिरे रे, पवन पुत्र बल दाई ओ गिरे, ओ पुरुषों का कर काम तमाम, मैं महेंद्रगढ़ ते आयो गिरे कालिंगा से मेरा नाम। महेंद्रगढ़ ते आयो गिरे कालिंगा से मेरा नाम। कहते हैं कालिंगा रानी गोरखनाथ को समझाती है, अगर हमारे साथ तुम चलना चाहते हो तो हमारे जैसा रूप बना करके चलना होगा। कैसे बताती है, अरे जय तू चावे राज में जाना, जय तू चावे राज में जाना, पहलम कर ले भेष जनाना, हाँ पहलम कर ले भेष जनाना। लसी कताल से नाई ओ गिरे, लसी कताल से नाई ओ गिरे, तन बढ़िया मिले गारिया नाम में, महेंद्रगढ़ ते आई ओ गिरे कालिंगा से मेरा नाम। महेंद्रगढ़ ते आयो गिरे कालिंगा से मेरा नाम। कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने जब कलिंगा रानी की ये बात सुनी, उसने सोचा चलो गुरु के पास तो जाना ही है, तो भेष धारण में क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं गुरु गोरखनाथ क्या जवाब दिया उनको, तेरी मैं योगी सन्यासी सूं, मैं योगी सन्यासी सूं, गुरु दरस का अभिलाषी सूं, गुरु दरस का अभिलाषी सूं, मैं भजन की करूं कमाई है, मैं भजन की करूं कमाई है, मन ना चाहिए थारा देला दाम, मैं महेंद्रगढ़ ते आयो गिरे कालिंगा से मेरा नाम। महेंद्रगढ़ ते आयो गिरे कालिंगा से मेरा नाम। ऐसा साज बजाऊंगा मैं, ऐसा साज बजाऊंगा, सबने चकित बनाऊंगा मैं, सबने चकित बनाऊंगा, कर मेरे सरस्वती माई, कर मेरे सरस्वती माई, प्रथम करता मैं प्रणाम, महेंद्रगढ़ ते आयो गिरे कालिंगा से मेरा नाम। महेंद्रगढ़ ते आयो गिरे कालिंगा से मेरा नाम। गोरख ने सतगुरु मनाया, गोरख ने सतगुरु मनाया, तेरे हाथ उन साज कलाया लाया, तेरे हाथ उन साज कलाया, ऐसी कला दिखाई रे, ऐसी कला दिखाई रे, भूल गी सारे में यो शान, महेंद्रगढ़ ते आयो गिरे कालिंगा से मेरा नाम। महेंद्रगढ़ ते आयो गिरे कालिंगा से मेरा नाम।
उठी झाल गुरु दर्शन की, उठी झाल गुरु दर्शन की, सुरती लागी राम के सन की, सुरती लागी राम के सन की। कथा राम नवासन गाई रे, कथा राम नवासन गाई रे, सुन सुन मिलता है आराम, मत मेंदर गढ़ते आयो गिरे, कालंगा से मेरा नाम, मत मेंदर गढ़ते आयो गिरे, कालंगा से मेरा नाम। कहते हैं जब गुरु गोरखनाथ ने इतनी बात कलिंगा रानी की सुनी कि हनुमान की यहाँ चौकी है और वह त्रियाराज में किसी पुरुष को नहीं जाने देता, तो सबसे पहले गोरखनाथ ने हनुमान को मंत्र से बांध करके दूर फेंक दिया। अब हनुमान जी जब दूर जाकर गिरे तो बंदे बंदे वह श्री राम को याद करते हैं और कहते हैं, हे श्री राम, मेरी ऐसी हालत किसने की? तो कहते हैं श्री राम ने दर्शन दिए और बताते हैं कि वे गोरखनाथ जी आए हैं, वे अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को लेकर के जाएंगे, आप बीच में क्यों बाधा डाल रहे हैं? आपने मच्छिंद्रनाथ को त्रियाराज में मैनाकिनी के पास छोड़ा था, पूरी जिंदगी के लिए तो नहीं? बोला, नहीं जी। तो फिर वो अपने गुरु को लेकर जाएगा, आप क्यों बाधा डाल रहे हो बीच में? तो कहते हैं राम जी हनुमान जी को लेकर गोरखनाथ जी के पास आते हैं और दोनों में सुलह कर देते। इतनी बात सुनकर गोरखनाथ कौन से क्या कहते हैं कि भी मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं, मैं तो अपने गुरु जी को छुटाने के लिए आया हूं, क्या बताया? ओ हो हो भई जाल में फसरा से मेरा गुरु रतन यन मोल, जाल में फसरा से मेरा गुरु रतन यन मोल, जाल में फसरा से मेरा गुरु रतन यन मोल। हो सतगुरु से सका लाल लखीणा, सतगुरु से सका लाल लखीणा, बिना गुरु के ससका के जीना, बिना गुरु के ससका के जीना, चाहे देख तराजू तोल जाल में फसरा से मेरा गुरु रतन अनमोल, जाल में फसरा से मेरा गुरु रतन अनमोल। मैं अपना यो धर्म निभाऊंगा, मैं अपना यो धर्म निभाऊंगा, अपने गुरु ने साथ ले जाऊंगा, अपने गुरु ने साथ ले जाऊंगा, नुकाऊं सु बजा के ढोल जाल में फसरा से मेरा गुरु रतन यन मोल, जाल में फसरा से मेरा गुरु रतन यन मोल। गुरु और शिष्य का हो पावन नाता, गुरु और शिष्य का हो पावन नाता, जैसे पुत्र के पिता और माता, जैसे पुत्र के पिता और माता, ना इसमह को रोल जाल में फसरा से मेरा गुरु रतन यन मोल, जाल में फसरा से मेरा गुरु रतन यन मोल।
धर्म की नैया चर्या करे, धर्म की नैया चर्या करे, ना धर्म किसे ते डरया करे, ना धर्म किसे ते डरया करे। हो बे ना धर्म जा धरती डोल जाल में फसरिया से मेरा गुरु रतन यो नमोल जाल में फसरिया से मेरा गुरु रतन यो नमोल। कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी अपनी जो बात थी वो उनको बताते हैं कि भाई मैं अपने गुरु को लेने के लिए आया हूं और लेकर के जाऊंगा। जो बात नाथों की वाणी कहते हैं खाली नहीं जानी, कैसे बताया? राम कसन वेदां की वाणी, राम कसन वेदां की वाणी, गुरु कृपा से हमने जानी, गुरु कृपा से हमने जानी। हम करते नहीं मखोल जाल में फसरिया से मेरा गुरु रतन यन मोल जाल में, फसरिया से मेरा गुरु रतन यन मोल जाल में, फसरिया से मेरा गुरु रतन यन मोल। कहते हैं गोरखनाथ की बात श्री राम और हनुमान ने सुनी तो उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि आपको कोई रोक टोक नहीं सकता, आप जा सकते हैं। तो कहते हैं कि हनुमान जी का भ्रम यहाँ टूटा, कैसे? कि पहले रुद्र के दर्शन करने के लिए, ग्यारहवें रुद्र को चेतन करने के लिए गोरखनाथ को वहां पहुंचना जरूरी था। कहते हैं योगी गोरखनाथ उस नाचने वाली कलिंगा रानी के साथ त्रियाराज में अपना जनाना रूप बना करके साज बजाने वालों में अपने को लेकर के और चल पड़ते हैं, वहां दरबार में पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि मर्दन की ऐसी थाप लगाई गुरु ने और गुरु मच्छंद्र के कानों में वो गई। वो थाप कह रही थी कि गोरख जी आ गए हैं और मच्छंद्र जी उसको साफ सुन रहे हैं। कैसे बताया, सुनिए। ओ ओ थारा गोरख चेला आया गुरु जी चेत चेत चेत, थारा गोरख चेला आया गुरु जी चेत चेत चेत, हो गुरु जी चेत चेत चेत, सतगुरु चेत चेत चेत, गुरु जी चेत चेत चेत, गुरु जी चेत चेत चेत, थारा गोरख चेला आया गुरु जी चेत चेत चेत, ओ थारा गोरख चेला आया गुरु जी चेत चेत चेत। मत फेरू दरस का मारा ओ मनवर से बीत लिया बारा, मैं फेरू दरस का मारा ओ मनवर से बीत लिया बारा, इब भेद लगा से थारा गुरु जी चेत चेत चेत, इब भेद लगा से थारा गुरु जी चेत चेत चेत, थारा गोरख चेला यारा गुरु जी चेत चेत चेत, हो गुरु जी चेत चेत चेत, गुरु जी चेत चेत चेत, ओ थारा गोरख चेला आया गुरु जी चेत चेत चेत,
हर गोरख चलाया गुरु जी चेत चेत चेत। मन तोड़े सारे बंधन गुरु थार चरणा में वंदन, मन तोड़े सारे बंधन ओ गुरु थार चरणा में वंदन, हो गुरु मस्तक के चंदन या माया रेत रेत रेत, हो गुरु मस्तक के चंदन या माया रेत रेत रेत, गुरुजी चेत 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 या माया रेत रेत रे, गुरुजी चेत 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 या माया रेत रेत रेत, हर गोरख चलाया गुरुजी चेत चेत चेत, हर गोरख चलाया गुरुजी चेत चेत चेत। गुरु की आत्म की हो छाया सिसको मिले अजूबी माया, गुरु के हाथ की हो छाया सिसको मिले अजूबी माया, कर चरणा मजान लगाया नुकर के एत एत एत, थारे चरणा मजान लगा नुकर के एत एत, गुरुजी चेत चेत चेत, गुरुजी चेत चेत चेत, ओ थर गोरख चला आया गुरुजी चेत चेत चेत, थर गोरख चला आया गुरुजी चेत चेत चेत। नहीं सस गुरु से नारा ओ चेला गुरु ने प्यारा, नहीं सस गुरु से नारा ओ चेला गुरु ने प्यारा, कर चेला यो ठीक गुजारा चरण में लेट लेट लेट, कर चेला यो ठीक गुजारा चरण में लेट लेट लेट, गुरुजी चेत 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 तो सतगुरु चेत चेत चेत, ओ थारा गोरख चेला आया गुरुजी चेत चेत चेत, थारा गोरख चेला आया गुरुजी चेत चेत चेत। ओह राम कसन को डरना जिसने लिया गुरु का सरना, कह राम कसन को डरना जिसने लिया गुरु का सरना, गुर बनो वो दुखड़ा भरना ये योजड़े खेत खेत खेत, गुर बनो यो दुखड़ा भरना ये योजड़े खेत खेत खेत, गुरुजी चेत चेत चेत, गुरुजी चेत चेत चेत, थारा गोरख चलाया गुरुजी चेत चेत चेत, थारा गोरख चलाया गुरुजी चेत चेत। कहते हैं
गुरु मच्छिंद्र नाथ ने मर्दंग की थाप अपने कानों में सुनी, चेत मच्छिंद्र गुरु शिष्य को रखाया। बताते हैं जब राज दरबार में वादन क्रिया करते देख मच्छिंद्र अति प्रसन्न हुए और गुरु यह जान गए कि मेरा सबसे प्रिय शिष्य गोरख आया हुआ है और हर थाप उसकी बता रही है कि चेत गुरुजी तेरा शिष्य आया। कहते हैं कि मच्छिंद्र ने भरे दरबार में अपने प्यारे शिष्य को अपने पास बुलाया और गुरु और शिष्य मिलते हैं प्यार से और शिष्य ने जब गुरु के दर्शन किए 12 साल के बाद तो कैसे उनकी आंखों में प्यार उमड़ आया, कैसे बताया। ओ हो ओ जब होया गुरु का दीदार, जब होया गुरु का दीदार तो अखियां बरस पड़ी, तो अखियां बरस पड़ी, तो अखियां बरस पड़ी, ये अखियां बरस पड़ी। ओ जब होया गुरु का दीदार, जब होया गुरु का दीदार तो अखियां बरस पड़ी, ये अखियां बरस पड़ी, पड़ी पड़ी ये अखियां बरस पड़ी, ये अखियां बरस पड़ी। ए दोनों की बांधे होगी वाणी, दोनों की बांधे होगी वाणी, प्रेम घटा बने बरसा पानी, ओए प्रेम घटा बने बरसा पानी, सब गरी भरम दीवार, सब गरी भरम दीवार, ये अखियां बरस पड़ी, ये अखियां बरस पड़ी, पड़ी पड़ी ये अखियां बरस पड़ी, ये अखियां बरस पड़ी। वो जब होया गुरु का दीदार, जब होया गुरु का दीदार तो अखियां बरस पड़ी, अखियां बरस पड़ी, तो अखियां बरस पड़ी, तो अखियां बरस पड़ी। ये प्रीत का बम्ब फूट गए से, प्रीत का बम्ब फूट गए से, नरदान देव लूट गया जैसे, ओ नरदान देव लूट गया जैसे, ओ खोले आनंद के भंडार, खोले आनंद के भंडार, तो अखियां बरस पड़ी, तो अखियां बरस पड़ी, पड़ी पड़ी तो अखियां बरस पड़ी, मैं अखियां बरस पड़ी। जब होया गुरु का दीदार, जब होया गुरु का दीदार तो अखियां बरस पड़ी, तो अखियां बरस पड़ी, ओए होए अखियां बरस पड़ी, मैं अखियां बरस पड़ी।
चंदन बोली दल की वाणी, दल ने बोली दल की वाणी, गुरु ने शस की सारे पछाणी, गुरु ने शस की सारे पछाणी, उड़ देखे सब दरबार, उड़ देखे सब दरबार, मैं अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी, ओए ओए मैं अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी, जब होया गुरु का देदार, जब होया गुरु का देदार, तो अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी, पड़ी पड़ी मैं अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी। आ गुरु को शस ने शीश झुकाया, गुरु को शस ने शीश झुकाया, गुरु ने शर पे हाथ लगाया, ओए गुरु जी ने शर पे हाथ लगाया, जुड़ी प्रीत से लगनी तार, जोड़ी प्रीत से लगनी तार, तो अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी, ओ हो मैं अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी, जब होया गुरु का देदार, जब होया गुरु का देदार, तो अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी, ओ पड़ी पड़ी मैं अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी। हे राम कृष्ण ओए अजब ये सारे, हे राम कृष्ण ओए अजब ये सारे, मुरजे फूल खिल गए सारे में, मुरजे फूल खिल गए सारे, कोई जग में अजय जयकार, कोई जग में अजय जयकार, तो अखियां भर से पड़ी, तो अखियां भर से पड़ी, ओहो मैं अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी, ओ जब होया गुरु का दीदार, जब होया गुरु का दीदार, तो अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी, पड़ी पड़ी मैं अखियां भर से पड़ी, मैं अखियां भर से पड़ी। कहते हैं गुरु गोरखनाथ की माया को देख करके मच्छिंद्रनाथ सम्बित रह जाते हैं। कहते हैं गुरु मच्छिंद्रनाथ के एक संतान पैदा हो गई थी वहां, योगी मच्छिंद्रनाथ सोचने लगे कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि गोरख के मन की इच्छा भी पूरी हो जाए और रानी मैनाकिनी को भी सच्चे ज्ञान की झलक दिखाई दे जाए। योगी मच्छिंद्रनाथ ने गोरख को कहा कि हे शिष्य, आप हमारे सुत इस मोनिनाथ को जल द्वारा साफ करके ले आओ, इसका तन बीमारी के कारण दुर्गंधिला बन गया है। इतना सुनते ही कहते हैं योगी गोरख,
गुरु का भाव समझ गया और उसने मोनीनाथ को शिला पर धोबी की तरह धो डाला और उसके चरम खोल को छत पर सुखा दिया। जब इस बात का पता रानी को लगा तो बहुत हाहाकार मचाने लगी। इस पर गोरख ने गुरु आदेश पाकर मोनीनाथ के चरम खोल पर संजीवन मंत्र से भस्म डाल दी। देखते देखते वहां 108 मोनीनाथ खेलने लग गए। रानी समझ गई यह योगी भगवान का ही कोई अवतार है और प्रार्थना करने लगी कि हे योगी, मेरा भ्रम दूर हो गया है, संसार तो एक सपना है, इसलिए रोना भी मुझे व्यर्थ लग रहा है। कहते हैं गुरु के आदेश के अनुसार रानी मैनाकिनी को उसका मोनीनाथ सौंप दिया गया और गुरु शिष्य चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे बताया, ओ टूटा मोह का यसर गोरख ने खेल दिखाया, ओ टूटा मोह का यसर गोरख ने खेल दिखाया, गोरख ने खेल दिखाया, गोरख ने खेल दिखाया, टूटा मौका असर गोरख ने खेल दिखाया। मोनीनाथ गुरु का प्यारा बना ममता का दारा, व मोनीनाथ गुरु का प्यारा बना ममता का दारा, सारा गुरु मन पर गुरु गोरख ने अपना फर्ज नवाया, टूटा मौका असर ऐसा गोरख ने खेल दिखाया, हो टूटा मौका असर गोरख ने खेल दिखाया। मोहनी की करी सफाई चमड़ी छत पर सुखाई, मोहनी की करी सफाई वा चमड़ी छत पर सुखाई, आज्ञा दीनी थी गुरुवर गोरख ने यो कहण पगाया, पटूटा मौका असर गोरख ने खेल दिखाया, टूटा मौका असर गोरख ने खेल दिखाया। बरोवे मैं नाकनी आहवर के बोले गुरु जी छो मैं भर के, बरोवे मैं नाकनी आहवर के बोले गुरु जी छो मैं भर के, इसको जी मत उलटा कर गोरख ने शीश झुकाया, ओ टूटा मौका असर गोरख ने खेल दिखाया, ओ टूटा मौका असर गोरख ने खेल दिखाया। बोली मैं ना किनी रानी सब झूठी आ जगत कहानी, वा बोली मैं ना किनी रानी सब झूठी आ जगत कहानी,
कौन राम कसन जय कर गाना राम नवासन गाया टूटा मौका या सर गोरख नयो खेल दिखाय वो टूटा मौका या सर गोरख। ये प्रोग्राम सुपरटोन कैसेट कंपनी द्वारा पेश किया गया जिसको गा रहे थे भक्तराम दास जी सुनारियां वाले वे साथ। कहते हैं कि रानी मैनाकिनी को यह पक्का विश्वास हो जाता है कि ये योगी गोरक्षनाथ मेरे स्वामी को साथ लेकर ही जाएगा क्योंकि स्वयं पवन सत हनुमान जी ने रानी को आकर के यह बता दिया था कि यह योगी श्रेष्ठ अपने धर्म पर लड़ रहा है, इसके बीच में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह जानकर रानी मैनाकिनी बड़ी दुखी हुई क्योंकि मौनीनाथ के पुनः जीवित करने पर स्वयं मैनाकिनी रानी नाथ योगी से ममता बांध कर बैठ गई थी और जब जाने का जिक्र हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ और गोरखनाथ के सामने वो आंखों में आंसू ला करके क्या कहती है, ओ डट जा रे डट जा रे सद गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे तू डट जा रे डट जा रे सद गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे हाँ डट जा रे सद गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे। जय गोरख तू आड़े डट जा हो जय गोरख तू आड़े डट जा पल के बराबर साल नु कट जा हो जय गोरख तू आड़े डट जा पल के बराबर साल यो कट जा ओ कर के मेरा ख्याल साल एक डट जा रे ओ डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे आ डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे। माँ बेटे जैसा तेरा मेरा नाता हो माँ बेटे जैसा तेरा मेरा नाता गुरु की पत्नी हो धर्म की माता ओ माँ बेटे जैसा तेरा मेरा नाता गुरु की पत्नी हो धर्म की माता थाडे बरे ये ताल साल एक डट जा रे डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे हाँ डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे। एक साल की मेरी कहानी हो एक साल की मेरी कहानी पूरी हो जा साप की वाणी एक साल की मेरी कहानी पूरी हो जा श्राप की बा मत बेरे नागनी पाल साल एक डट जा रे ओ डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे हाँ डट जा रे
डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साले अक डट जा रे बताती है मैना करी कि हे गोरखनाथ एक समय की बात है उपरिक्ष गगन के अंदर सैर कर रहे थे। मैं उनके नगन अंग को देख करके मुस्कुरा उठी। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और यहां मैं श्राप के कारण इस कामरू देश में पड़ी हुई हूं। कैसे बताएं उपरिक्ष करे थे सैर गगन में उपरिक्ष करे थे सैर गगन में हसी देख मैं अंग नगन में उपरिक्ष करे थे सैर गगन में हसी देख मैं अंग नगन हो दे सरा पड़ डाल साल एक डट जाए डट जा रे डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साले अक डट जा रे डट जा रे डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साले अक डट जा रे मैं मोहू थी तू मन मोगया रे मैं मोहू थी तू मन मोगया ना जानू के मेरे हो गया मैं मोहू थी तू मन मोगया ना जानू के मेरे हो गया मैं फंसी ममता के जाल साल एक डट जा रे डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे डट जा रे डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे राम कृष्ण हुई बड़ी लाचारी राम कृष्ण हुई बड़ी लाचारी मैं सब डाल तेरे तैयारी राम कृष्ण हुई बड़ी लाचारी मैं सब डाल तेरे तैयारी पारिया से काल साल एक डट जा रे डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे डट जा रे सत गोरख योगी नाथ साल एक डट जा रे। कहते हैं इतनी बात मैनाकिनी की गुरु गोरखनाथ ने सुनी तो उनकी यह दशा देख करके वो दयावान हो जाते हैं और मैनाकिनी से कहने लगे कि हे माते मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए परंतु यहां पर हमारे एक वर्ष रहने से हमारी सारी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हे मातेश्वरी हम आपके पास केवल 6 मास ही रुक पाएंगे। और रानी को इस आवागमन का अर्थ समझाते हुए गोरखनाथ क्या बताते हैं मात मेरी तू तज देरी यो व्यर्था मो जंजाल मात मेरी तू तज देरी यो व्यर्था मो जंजाल
यो वेर थामो जंजाल, वेर थामो जंजाल मात मेरी तू सजदेरी, यो वेर थामो जंजाल। सब दुखों का कारण मोसे, मोसे दुख की रचना होसे, मोसे दुख की रचना होसे। सब दुखों का कारण मोसे, मोसे दुख की रचना होसे, मोसे दुख की रचना होसे। यो मोकामी तेरी काम चंडाल, ये व्यर्था मो जंजाल मात मेरी तो तज देरी, यो व्यर्था मो जंजाल, ये व्यर्था मो जंजाल, व्यर्था मो जंजाल मात मेरी तो तज देरी, यो व्यर्था मो जंजाल। की मैया अजब कहानी, मोके बस में राजे रानी, मोके बस में राजे रानी। मोकी मैया अजब कहानी रे, मोके बस में राजे रानी, मोके बस में राजे रानी। यो मो धोखे की सहचाल, यो व्यर्था मो जंजाल मात मेरी तो तज देरी, यो व्यर्था मो जंजाल, यो व्यर्था मो जंजाल, व्यर्था मो जंजाल मात मेरी तो तज देरी, यो व्यर्था मो जंजाल। जान दृष्टित देख ले मैया, कौन किसे का बाबुल भैया, कौन किसे का बाबुल भैया। वो जान दृष्टित देख ले मैया, कौन किसे का बाबुल भैया, कौन किसे का बाबुल भैया। कौन किसे कारी लाल, जो सगर था मो कंजाल मात मेरी तो तज देरी, जो व्यर्था मो जंजाल, कोई व्यर्था मो जंजाल, व्यर्था मो जंजाल मात मेरी तो तज देरी, जो व्यर्था मो जंजाल। वो लकड़े मात जो मोके घर से, प्रीत करे जो उस ईश्वर से, प्रीत करे जो उस ईश्वर से। वो लकड़े मात जो मोके घर से, प्रीत करे वो उस ईश्वर से, प्रीत करे वो उस ईश्वर से। फेरी ना वो पावे जग में काल, यो व्यर्था मो जंजाल मात मेरी तो तज देरी, यो व्यर्था मो जंजाल, यो व्यर्था मो जंजाल, व्यर्था मो जंजाल मात मेरी तो तज देरी,
क्यों विरता मो संसार। बताते हैं गुरु गोरखनाथ कि हे मैया, ये शरीर एक पिंजरा है मोह का, और इसे जिंदरा लगा हुआ है लोभ घमंड और स्वार्थ का। इस जीव को ऐसे भ्रम में डाल दिया है, इसको कुछ आगे पीछे का सुझता ही नहीं। कैसे बताया? राम कसन जग मोका पिंजरा, स्वार्थ लोभ घमंड बना जिंदरा, स्वार्थ लोभ घमंड बना जिंदरा। राम कसन जग मोका पिंजरा, स्वार्थ लोभ घमंड बना जिंदरा, स्वार्थ लोभ घमंड बना जिंदरा। रिद्धि आयो जीव भरम मैडाल, यो फिर था मो संसार। बात मेरी तो तज तेरी, यो व्यर्था मो संसार, यो व्यर्था मो संसार, व्यर्था मो संसार। बात मेरी तो तज तेरी, यो व्यर्था मो संसार। कहते हैं गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गोरख क्रियाराज से जलने की तैयारी करते हैं, तो रानी मैनाकिनी कहने लगी कि वत्स अपने साथ मेरे पुत्र मोनिनाथ को भी लेते जाओ, और वह मार्ग के लिए सारी व्यवस्था कर देती है, और उस थोड़े से सामान के बीच में एक सोने की ईंट भी वो डाल देती है, जिसका जिक्र वह योगी स्वामी मत्स्येंद्रनाथ को करती है। तो कहते हैं मार्ग में जब जंगल से गुजर रहे थे, तो मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ से बार बार ये पूछते, कहते कि विसंभल कर चलना चाहिए, कहीं कोई चोर या डाकू दुष्ट हमें परेशान ना कर दे। तो गोरखनाथ जी तुरंत समझ गए कि गुरु जी के डर का कारण कोई धन या संपत्ति है जो इनके पास हो। वो बोले, गुरु जी ये थैला मुझे दे दो। बोला, नहीं नहीं मैं खुद ले चलूंगा। बोला, नहीं इसमें कुछ होगा तो मेरे को दे दो। बोला, नहीं क्या करेगा। तो गोरखनाथ जी गुरु मत्स्येंद्रनाथ को बताते हैं कि गुरु जी हम तो इस माया से बहुत ही दूर हैं। कैसे बताया? ओ गुरु हम योगी सन्यासी, न माया मारे काम की। गुरु हम योगी सन्यासी, न माया मारे काम की। ओ गुरु हम योगी सन्यासी, न माया मारे काम की। धूनी तपना राख रमाना, धूनी तपना राख रमाना। हर को रटना मौज मनाना, हर को रटना मौज मनाना। मारे घट मरे अपनासी, ना माया मारे काम की। मारे घट मरे अपनासी, ना माया मारे काम की। ओ गुरु हम योगी सन्यासी, ना माया मारे काम की। कसा लंगोटा हाथ में सोटा, कसा लंगोटा हाथ में सोटा। हरि नाम का लावा गोटा, हरि नाम का लावा गोटा। हम ला जाओ मन के फांसी,
ना माया मारे काम की ओ हमला जा मन पे फंसी ना माया मारे काम की ओ गुरु हम योगी सन्यासी ना माया मारे काम की ओ काम निकंचन दोनों चंचल काम निकंचल दोनों चंचल मन में होती इनसे हलचल मन में होती इनसे हलचल गुरु जी मारा हृदय ओ मथुरा काशी ना माया मारे काम ओ गुरु हृदय ओ मथुरा काशी ना माया मारे काम ओ गुरु हम योगी सन्यासी ना माया मारे काम की बैको मारा भजन द्वारा बैको मारा भजन द्वारा साधु अवधु नाम हमारा साधु अवधु नाम हमारा ओ मारी सोर तक गगन चढ़ जासी ना माया मारे काम ओ मारी सोर तक गगन चढ़ जासी ना माया मारे काम ओ गुरु हम योगी सन्यासी ना माया मारे काम की राम बियाहे कृष्ण बियाहे राम बियाहे कृष्ण बियाहे बड़े बड़े दंडी इसने खाए बड़े बड़े दंडी इसने खाए याहे राम निवास बन जासी ना माया मारे काम की न्यू राम निवास बन जासी ना माया मारे काम ओ गुरु हम योगी सन्यासी ना माया मारे काम की कहते हैं जब गोरख की ये बात सुनी तो मसंदरनाथ कहते हैं कि भी ठीक है ये तो योगी पुरुषों को सदा कामनी और कंचन से दूर रहना चाहिए परंतु जो काम माया से चलता हो उसको तो माया ही चलाती है। तुमको तो पता है कि हमने कानीपा से बाजी जीत कर साधुओं का भंडारा भी देना है सो धन के बिना कैसे होगा। इस बात पर गोरखनाथ ने सोचा गुरु जरूर कोई ना कोई चीज अपने पास छुपाए हुए हैं। उन्होंने वो थैला उनसे ले लिया तो देखते हैं उसमें सोने की ईंट है। तो गोरखनाथ ने वो कहते हैं पास में दरिया बह रहा था उसमें फेंक दी। अब बोले रे तुमने क्या कर दिया अब भंडारा कैसे देंगे। वो बोला गुरु जी आपकी कृपा से यहाँ जंगल में भंडारा हो सकता है। बोला निमंत्रण कौन देने आएगा कौन देने जाएगा इतनी दूर जंगल बियाबान में। बोला ये प्रबंध भी हो जाएगा। अब गोरखनाथ ने कहते हैं गुरु की माया से सोने का पर्वत दिखा दिया गुरु को। बोला लो जी भंडारा करो। बोला निमंत्रण कहते हैं मंत्र से सिद्ध करके भस्मी आकाश की तरफ फेंकते हुए कहते हैं गंधर्व देवी देवता सभी भंडारे में शामिल होने के लिए चले आते हैं और चारों तरफ कैसी जय जयकार होती है। ओ दिया गोरख ने भंडारा होई जय जय चारों ओर ने ओ दिया गोरख ने भंडारा होई जय जय चारों ओर ने ओ दिया गोरख ने भंडारा होई जय जय चारों ओर ने ओ साधु मावे भोजन खामे ओ सकर मना में तन मन से
कदे किसे ने खाया ना भंडार भरे इस व्यंजन के दण सुर गयो तर के यारा जय जय चारों ओर जड़ सुर गयो तर के यारा जय जय चारों ओर पदिया गोरख ने भंडारा जय जय चारों ओर कथा कीर्तन वेद देवता गंधर्व की नर परसन मन में गण सारे किता उन करे मैं कारा जय जय चारों ओर ओ किता उन करे मैं कारा जय जय चारों ओर पलिया गोरख ने भंडारा जय जय चारों ओर ने ओह मंगल गावे अप्सरा नाचे विमान चढ़ के देवाया ओ मन में मगन मच्छंदर के रार धन गोरख तेरी धन माया सिद्धिशय काज समारा जय जय चारों ओर ओ दिया गोरख ने भंडारा जय जय चारों ओर दिया गोरख ने भंडारा जय जय चारों ओर ने जो राम कृष्ण जो भजन करे से राम कृष्ण जो भजन करे से ओ मोए भव से पार तरे से मोए भव से पार तरे सा गुरु शिष्य से नारा जय जय चारों ओर कहते हैं जब गर्भगृह पर्वत पर भंडारा संपूर्ण करके गोरखनाथ गुरु की आज्ञा लेकर तीर्थ भ्रमण करने के लिए आगे चल पड़ते हैं। चलते चलते नाथ जी की भेंट गिरनार पर्वत पर गुरु दत्तात्रेय जी से हो जाती है। सादर प्रणाम के साथ नाथ जी ने अब तक की सारी बातें दत्तात्रेय जी को बताई। गुरु दत्तात्रेय जी गोरख से कहने लगे कि योगीनाथ, अवंती का राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी के वियोग में 12 वर्षों से श्मशान में बैठा रो रहा है, आप जाकर उसको यथार्थ का ज्ञान कराएं तथा मोक्ष मार्ग दर्शाएं। गोरखनाथ तुरंत राजा भर्तृहरि के पास जाकर एक माटी का मटका जोर से फोड़ देते हैं, जिसे भर्तृहरि का ध्यान अपनी तरफ करके देखा तो गोरखनाथ भी जोर जोर से रोने लग गए। भर्तृहरि जी पूछने लगे कि आप मटके के लिए क्यों रो रहे हैं, मटके तो और भी आ सकते हैं। तो गोरखनाथ ने कहा, आप जिसके लिए रो रहे हैं वह भी तो और पैदा हो सकती हैं। और नाथ ने कहते हैं कि लाखों पिंगला वहाँ खड़ी कर दी, जो सभी कह रही थी अपने मुंह से यह संसार तो नाशवान है, यहाँ एक ना एक दिन सबको मरना है, पछतावा किस बात का है। तो कहते हैं भर्तृहरि का भ्रम टूट जाता है और नाथ जी से भर्तृहरि जी क्या कहते हैं। ओ मेरे घट में कर दो रोशनी, ओ मेरे घट में कर दो रोशनी, ओ दिया भरम का ताला खोल, ओ धन धन गोरख नाथ जी, ओ दिया भरम का ताला खोल, धन धन गोरख नाथ जी, ओ मेरे घट में कर दी रोशनी, ओ मेरे घट में कर दी रोशनी, ओ दिया भरम का ताला खोल, धन धन गोरख नाथ जी, ओ दिया भरम का ताला खोल, धन धन गोरख ना
नाथ जी। ओ मेरे दिल में गोरिया ने राता, ओ मेरे दिल में गोरिया ने राता, ओ ना अपने गैर का बेरा था, ओ ना अपने गैर का बेरा था, ओ मैं तो रया भरम डोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, मैं तो रया भरम डोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, मेरे घट मैं कर दई रोशनियो, मेरे घट मैं कर दई रोशनी, ओ दिया भरम का ताला खोल, ओ धन धन गोरख नाथ जी। मैं तो घर था झगड़े जो था, वो मैं तो घर था झगड़े जो था, वो नूर रो रो मने ना खो था, वो नूर रो रो मने ना खो था, वो दिया बता जन्म का मोल, वो धन धन गोरख नाथ जी, ओ दिया बता धनम का मोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, मेरे घट मैं कर दे रोशनी, ओ मेरे घट मैं कर दे रोशनी, ओ दिया भरम का ताला खोल, ओ धन धन गोरख नाथ जी। ओ गरते का सहारा बन गया, ओ गरते का सहारा बन गया, ओ ईसाया हाथ शीश पे धर गया, ओ ईसाया हाथ शीश पे धर गया, ओ गया विषम अमृत गोर, ओ धन धन गोरख नाथ जी, ओ गया विषम अमृत गोल, धन धन गोरख नाथ जियो, मेरे घट मैं कर दई रोशनियो, मेरे घट मैं कर दई रोशनी, ओ दिया भरम का ताला खोल, ओ धन धन गोरख नाथ जी। ये जगत मुसाफिर खाना है, हो ये जगत मुसाफिर खाना है, एक दिन तो सबको जाना है, एक दिन तो सबको जाना है, ओ नत बजे काल का ढोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, नत बजे काल का ढोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, मेरे घट मैं कर दे रोशनी जी, मेरे घट मैं कर दे रोशनी, ओ दिया भरम का ताला खोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, दिया भरम का ताला खोल, ओ धन धन गोरख नाथ जी।
यहाँ कोई किसे का है नहीं, ओ यहाँ कोई किसे का है नहीं, या भरम मैं दुनिया जाब ही, ओ या भरम मैं दुनिया जाब ही, ओ करो हरी वजन अनमोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, दिया वरम का ताड़ा खोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, मेरे घट में कर दे रोशनी, ओ मेरे घट में कर दे रोशनी, ओ दिया वरम का ताड़ा खोल, ओ धन धन गोरख नाथ जी। कोई राम कृष्ण श्री वास है, कोई राम कृष्ण श्री वास है, ये जीवन से मृत्यु पास है, ओ जीवन से मृत्यु पास है, ओ दिया तन तराजू तोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, दिया तन तराजू तोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, मेरे घट में कर दे रोशनी, ओ मेरे घट में कर दे रोशनी, ओ दिया भरम का ताला खोल, ओ धन धन गोरख नाथ जियो, दिया वरम का ताला।